हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 मोशन। इस चैप्टर को मैं बहुत इजी बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। मान लीजिए कि हमारा एक ये पाथ है, रास्ता है, ए बी और सी तीन स्टेशन है। एक स्टेशन ए है, स्टेशन बी है और स्टेशन सी है। मान लीजिए हमारे को फाइनली स्टेशन ए से सी पर जाना है, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम ए से सी पर डायरेक्ट चले जाएं, या फिर हम ए से पहले बी पर जाएं और फिर बी से फिर हम सी पर जाएं। तो देखिए, अगर हम फाइनली यहां से यहां तक चले जाते हैं तो हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और लेकिन हमारा जो रास्ता है इधर से इधर तक अगर हम जाएंगे तो उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। तो यहां पर देखिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा, यहां फिर यहां से सीधे जो गया ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। और जो डिस्टेंस है वो हमारा हुआ 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। यहां पर हम एक चीज और देखते हैं, हमने ईस्ट क्यों लिखा, क्योंकि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें हम दिशा बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें खाली हम मैग्नीट्यूड बताएंगे। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कि हमने यहां पर बताया है डिस्टेंस में 9 किलोमीटर, तो हमने 9 किलोमीटर तो बताया है, लेकिन हमने दिशा नहीं बताई है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमने दिशा भी बताई है। छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे कि हमने माना कि जी एक कार है वो 10 किलोमीटर गई, तो हमने ये कहा कि वो कार 10 किलोमीटर गई, लेकिन हमने उसको ये नहीं बताया कि वो 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में गई, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि कोई कार 10 किलोमीटर गई टुवर्ड्स ईस्ट, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे डायरेक्शन भी बताई है। तो जब हम डायरेक्शन भी बताते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में भी यही अंतर होता है। स्केलर क्वांटिटी में हम केवल मैग्नीट्यूड बताते हैं, लेकिन हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं। तो देखिए, इसी वजह से डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर भी मैंने दोबारा से बताया है, जो मैंने आपको स्पेसिफाई किया था, तो वहां पर यहाँ पर भी मैंने आपको दोबारा से बताई है ये चीज कि स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन हम उसमें कोई डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या करते हैं हम, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत इजी तरीके से समझ गए हैं हम। आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड पे। तो देखिए, मैंने यहाँ बताया यहाँ पर एक स्टेशन ए है और एक ये बी है। अब यहां से ए से बी तक बी तक जाने के लिए मैंने दो रास्ते दिखाए हैं। एक तो हम डायरेक्ट चले गए, उसका जो है दूरी है वो 5 किलोमीटर है, और दूसरा हम दूसरे रास्ते से गए हैं, उसका जो है वो 15 किलोमीटर है। तो इधर देखिए, क्योंकि मैंने बताया था इसको हम कहेंगे डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट हमने रूट कवर किया है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यह डिस्टेंस हुआ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 किलोमीटर्स। अब इसी तरीके से हम समझते हैं कि अगर हमारा जो है कोई सर्कुलर पाथ है, मतलब गोल रास्ता है, इसमें हमें क्या करना है कि कोई हमारा पॉइंट है ए, उससे चल करके हमारे को दोबारा ए पर ही आना है। तो अगर हम ए से ए पर ही आ गए तो क्या हुआ, हमारा नेट कवरिंग कुछ भी नहीं हुई, जहां से शुरू किया था वहीं पर हम वापस आ गए, तो इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, सर्किल का जो पैरामीटर है 2πr, इसकी रेडियस होगी। एक दूसरे छोटे से एग्जाम्पल से और समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने कोई डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कवर किया। मान लीजिए कोई चीज लेके यहां से यहां तक गई और फिर वो वापस इसी पॉइंट पर वापस आ गई, तो इसमें क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। लेकिन क्योंकि हम अपने जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहां पे वापस आ गए हैं, तो वो हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चों मैंने अगर यहां पर इस तरीके से निशान बना रखा है तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, बहुत इजी है, मोशन का चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है। देखते हैं पहला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है कि भाई आपने सुना होगा कि कार जो है इतनी स्पीड से जा रही है। अब इसमें भी हम स्केलर और वेक्टर को यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारी जो है स्पीड में हमने ये नहीं कहा है कि कार किस डायरेक्शन में जा रही है, हमने सिर्फ इसमें जो है बताया है स्पीड कि 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो हम उसको स्पीड बोलेंगे। अब यहां पर देखते हैं कि यूनिट क्या है, ऐसा ही यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमने स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं बताई है। अब यहां देखिए स्पीड की दो तीन यूनिट होती हैं, एक मीटर पर सेकंड है, एक सेंटीमीटर पर सेकंड है और एक किलोमीटर पर आवर है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, एक बार अगर आपको इसके कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। इस वीडियो को लंबा ना बनाने की वजह से मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में ही समझाया है, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको नहीं दिखाए हैं। तो देखिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। जैसे स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरीके से जो वेलोसिटी है हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, जैसे कार किसी भी डायरेक्शन में जा रही थी तो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट वाले केस में हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं, डिस्टेंस वाले केस में हम स्पीड लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। देखिए मैंने भी लिखा है यहां पर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप फॉर्मूलेस को थोड़ा याद कर लीजिए, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप उसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लैरिटी से आती चली जाएंगी। बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको बच्चों कहीं भी कोई डिफिकल्टी हो रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला और बता रहा हूं मैं, इसको भी याद करना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए यहां पे भी मैंने स्पीड अगर यूज किया है तो मैंने डिस्टेंस यूज किया है, इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां पे भी मैंने वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी यूज करी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी यूज करी है। तो बढ़ते हैं आगे दूसरी साइड की तरफ। अब यहां पर देखना है कि कभी हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, आपने सुना होगा कोई कार 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है, तो यूनिट हमने बताया था कि स्पीड ऑफ वेलोसिटी की किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। ऐसा ही यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड एंड ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो मीटर पर सेकंड। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हमारे को कन्वर्जन के लिए कि आपको ये करना है कि कोई आपको दिया है मान लीजिए 54 किलोमीटर पर आवर है, अब ये किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है या मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल 54 किलोमीटर पर आवर लिया, कुछ भी दिया हो सकता है। तो देखिए 54 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। हमें मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो बहुत हमने पुरानी क्लासेस में भी पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर हमारा 54 किलोमीटर है तो उसका हो जाएगा 54,000 मीटर। सभी बच्चे जानते हैं, बहुत ही सिंपल बेसिक सी चीज है। इसी तरीके से अगर मुझे टाइम को कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं,
तो इसी को मैंने यहाँ पर करा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 54 किलोमीटर को 54 × 1000 मीटर कर दिया है, 1 आवर को 60 × 60 सेकेंड्स कर दिया है। तो इसको मैंने अलग स्पेसिफाई करने के लिए लिखा है कि 1000/60। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5/18 आए। अब इस 5/18 को आपको याद कर लेना है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा 54 किलोमीटर पर आवर या कोई भी दिया हुआ है तो उसमें आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 को याद कर लिया है हमने, तो देखते हैं 54 किलोमीटर पर आवर, फिर 5/18, 5/18 को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारा 15 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 5/18 को याद कर लो बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर क्या देखा है मैंने, यहाँ पे उल्टा हो गया है। क्या हो गया है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाना है। तो पहले मैंने क्या करा था, जो हमारा ये 5/18 है इसको पहले मैंने मल्टीप्लाई करा था। अब क्या करूंगा, क्योंकि हमें उसका उल्टा करना है तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। क्या करा है मैंने, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दिया है 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाओ। तो जैसे मैंने बोला कि डिवाइड करेंगे, यहां मैंने 15 लिया, नीचे 5/18 को से डिवाइड करा। अब देखिए यहां पर क्या हो गया है, ये कि मेरा 18 इधर से ऊपर चला गया है और ऐसे करके ये 15 × 18/5 = 54 किलोमीटर पर आवर। कुछ बच्चों को, जिन लोगों के कोई बेसिक्स बहुत स्ट्रांग नहीं रहे हैं पुरानी क्लासेस में, उन्होंने इतना अच्छे से डिवीजन नहीं सीखा है, तो मैं उनको डिवीजन भी सिखा देता हूँ। देखिए अगर आपने अपनी पुरानी क्लासेस में नहीं पढ़ा है, आप ये मत समझिए कि आपको फिजिक्स नहीं आती है या आपको मैथ्स नहीं आता है, इसका मतलब आपको किसी ने ढंग से कभी पढ़ाया ही नहीं है। हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, अगर आपको कोई पढ़ाएगा ढंग से या आप उस किसी भी चैप्टर को समझेंगे तो एवरीथिंग इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है। तो अभी मैं यहाँ पर जिन बच्चों को नहीं आता, जिनको आता है उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है इसको कैसे डिवाइड करना है, तो शॉर्ट में मैं फटाक से जल्दी से समझा देता हूँ कि इसको डिवाइड कैसे करते हैं। देखिए अगर आपको 2/7 / 3/8 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, 2/7 को ऊपर रखो, एक बड़ी सी लाइन खींचो, 3/8 को नीचे रखो। देखिए मैंने एरो से शो करा है, इसको आप भी कभी भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो रफ वर्क में करें या फेयर में करें, लेकिन इसी तरीके से आपको एरो से शो करना है जिससे कि कभी मिस्टेक नहीं होगी आपकी। देखिए मैंने यहाँ पर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करा है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करा है। सबसे पहले मैंने क्या करा, 2/7 को यहाँ पर उतार लिया है, 2/7 को मैंने ऐसा कहा एज इट इज, मैंने यहाँ पे उतार लिया है 2/7 को, मैंने बच्चों यहाँ पे उतारा है देखिए एज इट इज, लेकिन जो मैंने 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो मैंने 8 को ऊपर लिख दिया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मेरा आंसर ये आ गया है। एक छोटा सा मैं और एक्सप्लेनेशन दूंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे सिंगल लेटर लिखा होगा और डिवाइड बाय ऐसे लिखा होगा। फिजिक्स के बीच में मैथ्स ले आ रहा हूं लेकिन प्लीज कॉपरेट। देखिए 2/1 / 5/7, 2/1, ये 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2/1 / 5/7, इसको मैंने फिर मैंने क्या करा है, इसी 2/2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर, आपको हर जगह लिखना है इस तरीके से। तो आपका जो फाइनल आंसर आया है आपका 14/5 आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, टाइम वेस्ट करे बिना। तो देखिए हम बच्चों ये हमारा आ गया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, मैंने जैसे बताया कि कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो डिस्टेंस, अब ये देखिए क्या है, ये भी मैथ्स यूज करा है मैंने। अगर हमसे कोई पूछेगा डिस्टेंस कैसे निकलेगा तो सिंपल, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूले को भी याद कर लेना, बहुत ही सिंपल है। एक दो बार आप अगर क्वेश्चंस करेंगे कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान है। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर और किलोमीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो मीटर और किलोमीटर होती है। इसी तरीके से देखिए, जैसे हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया है, उसी तरीके से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेंगे। उसी तरीके से जैसे मैंने यहां से मल्टीप्लाई करा है, इसी तरीके से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का भी फॉर्मूला निकल के आ गया है। इस इन दोनों फॉर्मूलों को बच्चों आपको याद कर लेना है, आप लिख लो, बहुत ईजी है, 2-4 बार लिखोगे, इतने बड़े फॉर्मूले नहीं है, 9th क्लास के लिए बहुत ईजी है फॉर्मूले। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखिए हम समझेंगे कि वॉट इज एक्सेलरेशन, वॉट इज रिटार्डेशन। जैसे जनरली हम लोग जब कार चलाते हैं या कोई कार चलाते हैं तो कहते हैं एक्सेलेरेटर के ऊपर पैर रखो, एक्सेलेरेटर के ऊपर पैर रखो। एक्सेलेरेटर क्या करता है कि हमारी कार अगर स्टॉप है, हमने एक्सेलेरेटर के ऊपर पैर रखा या स्पीड जिसको बोल देते हैं उस पर ऊपर पैर रखा तो वो गाड़ी हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि कोई हमारी कार है वो
5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, या कार या साइकिल या कोई भी चीज आप बोल सकते हैं, आपने छोटा सा एग्जांपल लिया है, ए पॉइंट पर उसकी स्पीड जो थी 5 मीटर पर सेकंड थी, बी पर की थोड़ी दूरी पे जाने के बाद में वो 15 मीटर पर सेकंड हो गई है। टाइम उसमें कितना लगा, हमने एज्यूम करा है 5 सेकंड, एक ऐसी वैल्यूज ली है। तो देखिए यू हमारा एक ये डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो यू को मैंने इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट कर दिया। मैंने क्या कर दिया है, फिजिक्स में करा जाता है, तो यहां बढ़ते हैं आगे। तो यू को इनिशियल वेलोसिटी से करा है, वी को फाइनल वेलोसिटी से करा है। तो देखते हैं क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जब हमने एक्सेलेरेटर दबाया एक्सेलरेशन क्या हुआ उसको समझते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये एक फॉर्मूला है, याद करना है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब जब हम डेफिनेशन के तौर पे लिखते हैं तो हमेशा जो नीचे की चीज होती है उसको हम कह देते हैं पर यूनिट टाइम। तो इसी तरीके से आप बोलेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहां पे क्या करा है, मैंने इस तरीके से लिखा है a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो मैंने क्वेश्चन में लिया था वो यूनिट्स मैंने नीचे उतारी हैं। देखिए 5 माइनस 5 अपॉन 5, 5 क्या है ये टाइम, तो ये आया 50 माइनस 5 45, भाई सिंपल कैलकुलेशन है सब कर लेंगे। ये आया आंसर 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने ये देखा था कि जो हमारी स्पीड या वेलोसिटी थी वो मीटर पर सेकंड में थी, लेकिन एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है। कुछ बच्चों को समझने में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो समझें कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों हो गया है, मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा मीटर पर सेकंड, उसके नीचे मैंने लिखा सेकंड, जो मैंने अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको बताई थी वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये है। देखिए मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई सेकंड, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा है यहाँ पर, तो सेकंड इंटू सेकंड और मीटर, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बहुत ही सिंपल है, एक फॉर्मूला और आ गया, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, भाई सिंपल सा है, किसी भी चीज का एवरेज निकालना है, मान लो 5 चीजों का एवरेज निकालते तो 5 से डिवाइड कर दो, 10 चीजों का एवरेज निकालना तो 10 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर हमारे को केवल एक दो दो का मान लीजिए, एक इतना इनिशियल वेलोसिटी थी इतनी फाइनल वेलोसिटी थी, उन दोनों का एवरेज निकालना तो क्या करना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि दो ही चीजों का एवरेज निकालना है, सिंपल मैथ्स है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की तीन इक्वेशन है मोशन की, सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूं बट मैं नहीं समझा रहा हूं क्योंकि अननेसेसरी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप इन इक्वेशंस को याद कर लोगे, इन इक्वेशंस को सिर्फ तीन चार बार लिखोगे तो आपको सारी इक्वेशंस याद हो जाएंगी और कोई भी क्वेश्चन को आप इन इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, इट्स नॉट अ डिफिकल्टी। डिटेल में बुक में लिखा हुआ है, अगर किसी को फिर भी डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। लेकिन ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए इजीली और आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस कर सको। इन इस वीडियो को देखते ही आप एक्सपर्ट हो जाओगे मोशन के चैप्टर में। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, लिख दी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने देखिए यहाँ पे निशान लगा रखा है, इसका मतलब कि ये आपको इक्वेशन याद करनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है यहां पर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है यहां पर देखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर हमने देखा है कि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। ये मैंने पहले भी पीछे लिख दिया है, बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। केवल एक टर्म यहाँ पर आपको नया दिख रहा होगा, s, s को किस चीज से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस। ये मत सोचिएगा ये s फॉर स्पीड है, हम s यहाँ पर लिखा जाता है बट इट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। स्पीड को यहाँ पर हमने u और v से डिनोट किया है। थर्ड इक्वेशन आपने देख ही ली है, सारी चीजें आप समझ चुके हैं। अब देखिए अगर कोई हमारा मोशन, ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन था, मतलब कार सीधी जा रही है। अगर हमारा कोई सर्कुलर मोशन है तो उसमें क्या है, मान लीजिए कोई सर्किल का रेडियस है r, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमने पूरा डिस्टेंस कवर करा वो क्या होगा, सर्किल का पैरामीटर, दैट इज 2 पाई आर। टाइम कितना लगा, टी। तो सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी। तो हमारा पूरा मोशन का चैप्टर हो गया है, अब कोई स्लाइड भी नहीं बची है बच्चों, तो आप मेरे को बताइएगा
आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए कि क्या करना है आगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन है आपकी क्लास की या कुछ भी है तो आप मेरे को बताइए, मैं एक नया वीडियो बना देता हूँ।